तो मेरे दोस्त फिर से हाजिर हूँ बिना धोई हुई शक्ल लेके, सॉरी शक्ल धोई हुई है। तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत बढ़िया है। तो भाई पीछे आपको गुवाहाटी देख के पता चलिए क्या होगा। चलो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुवाहाटी में। और भाई सुबह 4:30 बजे ट्रेन ने यहाँ पे मेरे को छोड़ा हुआ है और सोया नहीं मैं रात को, पता क्यों? क्योंकि ट्रेन जाती है सीधी नागालैंड में और मेरे को डर था कि ट्रेन अगर निकल गई ना यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं फिर से नागालैंड पहुंच जाऊँ। और बड़ी मुश्किल से मैं नागालैंड से निकल के आया था, पहले आपको बताया ना। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे एक घंटा सोया पर, और जो अनाउंसमेंट करने वाली आंटी होती है ना भाई माइक में, उसने बोलने नहीं दिया, सोने नहीं दिया ये सुबह सुबह मैं क्या बोला। तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 6:30, सूर्य देवता भी निकल रहे हैं हल्के हल्के। और टिकलू के भाई जी को मैंने कॉल कर दिया कि भाई मेरे को होटल एक छोड़ दे, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा होटल होता है खाना पारा वाली साइड, वहाँ पे बस बड़ी कम चलती है, तो वो मेरे को अभी छोड़ने के लिए आ रहा है। भाई साहब टिकलू के भाई जी भी आ चुके हैं और मैं होटल पे भी पहुंच चुका हूँ। अगर आप दोनों की शक्ल देखोगे ना, वैसे ऐसे मुंह धोया है, और टिकलू के भाई को मैंने कॉल करा वो डायरेक्ट उठ के आ गया, डायरेक्ट जितना से उठा फोन देखा आया तो मैंने लगाया। नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, बालों से पता चल रहा है मतलब। सॉरी भाई क्षमा करना, थोड़ा कष्ट दे दिया। कोई बात नहीं, भैया जब भी बुलाएगा तो आ जाता है। हाँ अच्छा भी लगता है इसलिए आ जाता है। तो अब मैं जाऊंगा होटल में नहाने के बाद ना भाई जी काम खत्म करके 11 बजे आएंगे, फिर हम जाएंगे बैटरी डलवाने के लिए, और उसके बाद हम जाने वाले हैं भाई जी के घर। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने असली असली वाले नहीं सबसे अच्छे वाले होटल पे। यार ये वाला मेरा होटल ना फेवरेट है भाई, और ये वाला रूम भी मेरे को खाली मिलता है हमेशा। वैसे ये ना फीमेल डोरमेट्री है, फीमेल यहाँ पे कोई आती नहीं है और मेरे को खाली मिल जाता है। और ये देखो कुछ ऐसा है भाई, अभी आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि लाइट कम है, इसे खोल लेता हूँ फिर अच्छा आएगा शायद। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है ना बिल्कुल सही सही भाई। ओह माय गॉड कितना मस्त लग रहा है। तो ठीक है मेरे दोस्त, अभी ना मैं फटाफट नहा लेता हूँ एंड ब्रश करके एक दो घंटा रेस्ट करता हूँ। टिकलू का भाई जी जाएंगे बैंक में, उनकी जॉब है यहाँ वहाँ पे, फिर वो 11 बजे आएंगे, फिर हम जाएंगे बैटरी डलवाने के लिए, देन उसके बाद जाएंगे टिकलू के घर, टिकलू की मम्मी जी से मिलने के लिए। इसी के साथ आपका भाई नहा के रेडी हो चुका है एंड टिकलू भाई भी टिकलू भाई नहीं पापन भाई है ना, तो चलते हैं। पहले हम ना बैटरी डलवाने वाले हैं और अभी ना वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि जब वो बैटरी डालेंगे ना सारा डाटा इसका मतलब इरेज कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मेरे को पहले डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा भाई, फिर चलेंगे आपके घर घूमने के लिए, सही है ना, इनकी मम्मी जी से मिलने के लिए। चलते हैं फिर, चले चलो भाई चलते हैं। खाना खा लिया तूने? खाया नहीं। तो खा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, ठीक है। तो भाई लोग जे वाला वीडियो बन रहा है गोप्रो से, क्योंकि आईफोन मैंने दे दिया है एप्पल स्टोर में, तो वो अभी 3 घंटे लेंगे फिर जाके फ़ोन मिलेगा। और भाई 3-4 दिन से प्रॉपर सोया नहीं हूँ ना, रात को भी नहीं सोया, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेन ऐसा ना होगी गलती से नागालैंड लेके चले जाए, और अभी ना मौके से चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हमने सोचा 3 घंटे बचे हुए हैं, क्यों ना भाई टिकलू की मम्मी जी से मिल के आते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने मेरे को बोला था कि घर आना, मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम, अरे चक्कर आ रहे हैं सोची भाई, मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आऊँगा, तो इस बार जा रहे हैं। मुझे पता है मैं कैसे स्माइल कर रहा हूँ, सोची यार ऐसे सर घूमे जा रहे हैं। चलें चल मेरे दोस्त। और मेरे को ना एक गंदी आदत है, जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ ना खाली हाथ चले जाता हूँ, बट इस बार मैंने सेब लिए हुए हैं भाई, तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने सेब लिए हुए हैं। वैसे सही आदत है ना, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एज़ कम्पेयर जो नीचे वाला गुवाहाटी है ना मेन सिटी, भाई ये नरकासुर पहाड़ है, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर ठंडी वाली हवा चलती है, मतलब वाइब ठंडी है थोड़ी, पर यहाँ भी पेड़ कटना शुरू हो चुकी है ना, थोड़ी गर्मी आना शुरू हो चुकी है ना। चल मेरे दोस्त अच्छा बनाने के लिए पेड़ काट दिया। नहीं भाई आया नहीं है, मैं उसका संदेशा लेके आया हूँ, भाई नहीं आया। मुझे पता है कभी ना कभी इन्होंने मेरे को ब्लॉग में देखा होगा, है ना? हाँ देखा होगा, तभी बोल रहे हैं कि तेरा भाई बीकानेर से आ गया। तो भाई जे है टिकलू भाई जी का घर, एक यहाँ पे है एक उधर भी है, इनका 3 जगह घर है मतलब। चले ओ एक सेकंड शूज खोल लेता हूँ, पहले ठंडा ठंडा पानी पिला दे मेरे दोस्त एक, हाँ, सही है ना? हाँ, हाँ। ओके जय माता दी। और माता श्री कहाँ पे आपके? माता श्री को मैं लेके आता हूँ। भैया को टिकलू आ रहा है पीछे भैया। अरे भैया आपका आवाज सुनते हम आए। अच्छा पहचान लिया? और वीडियो देखते हो? देखते हैं आपका। ओके आपका वीडियो देखता हूँ।
अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगता हमको। अब जो वो एक तो जो भाई को दिखाता ना आपको, कौन सा कुछ तो नाम उसको बोलता, कहाँ पे आपका घर का वो यहाँ पे आप, राजू, राजू राजू पैग मारने वाला, उसकी शादी है अभी, उसके लिए बढ़िया लगता हमको, उसकी शादी है अभी, उसके लिए मेरी तरफ से ना हाँ। बोलिएगा भैया हेलो राजू को, ठीक है बोल दूंगा घर जाने के बाद। और कैसे हो? अरे नहीं 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 बाबू, कैसे हो आप? बढ़िया। बहुत दुबला वो मैं होते थे, दो तीन महीने से बीमार है। अच्छा अच्छा बीमार नहीं। और बढ़िया सारा, सब बढ़िया ठीक है, जैसे तो चल रहा है। हाँ तो फिर मैं और नाचल चला गया था ना। हाँ हम खबर लेते रहता है, वीडियो देखते रहता है। अच्छा वीडियो देखते हो आप? अच्छा। वो भी आज पापा ने बोला तू आया फिर चला गया, क्या करेगा गरीब आदमी, इसलिए हम बुलाता नहीं है। अरे नहीं नहीं वो मैं उस टाइम अरुणाचल चला गया ना, इसलिए। हम सुबह दूध लेते हैं वो किचन बस्ती, गोरू का दूध बिक्री होता है। और जे देखो भाई, टिकलू की मम्मी जी कितना कुछ लेके आए हैं मेरे लिए, रसगुल्ले है, कचोरी है, बिस्किट है, जिम मलाई वाला दूध भी है भाई, पता नहीं मार्केट से लेके आए होंगे क्योंकि गाय तो इन्होंने नहीं रखी है ना, एंड जितना उनसे बन पा रहे हैं ना मेरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, मतलब मैं ये चीज़ें खाता तो नहीं हूँ बट मन रखने के लिए अभी ले लिया मैंने, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूँगा। और वही बता रहे थे कि टिकलू मतलब 2 महीने हो चुके हैं ना घर से निकले हुए, मतलब घूमते हुए जीतू भाई के साथ, तो बोल रहे हैं कि कभी वो घर से इतना ज़्यादा निकला ही नहीं है, तो घर वालों का भी मन करता है उसे मिलने के लिए, तो वही बता रहे थे अभी। ठीक है यार खा लेता हूँ मैं मन रखने के लिए। भाई साहब यहाँ पे ना कम से कम 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने नींद भी भरपूर ले लिया भाई, अभी दिख रहा होगा मेरी आंखों से। ठीक है अभी माँ जी चलने का टाइम हो चुका है और माँ जी बोल रहे हैं अभी रुको, मैंने बोला फिर बाद में आऊंगा वापस, अभी क्योंकि कॉल भी आया था, उन्होंने बैटरी शायद ठीक कर दिया भाई फोन की, तो वो लेने के लिए चलते हैं। ठीक है माँ जी फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ठीक है ओके। अच्छा लगा तो हमको देखने के लिए, बहुत बहुत। अरे कोई बात नहीं तो आया जी हमको तो देखने के लिए, जब भी मैं आऊंगा ना गुवाहाटी आपसे मिलने आऊंगा, डोंट वरी। अरे कोई बात नहीं कोई नहीं, मैं पहन लेता हूँ। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है बाय बाय दोस्त, बाय बाय बाकी बच्चों, पार्टी वीडियो देखना। ठीक है ठीक है माँ जी फिर मिलूंगा। चलो कितना बजे आएगा वीडियो? ओके बाय बाय। हाँ कितना बजे आएगा वीडियो? 11 बजे आएगा कल। ठीक है हाँ ठीक है। प्लीज भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय। इनको बता टाइम क्या है? 11 बजे। आए के राजपूत, बाय बाय। हम देखो इसको खिलाता है कुछ। ओके तो ठीक है भाई निकलते हैं अभी और बैटरी डलवानी है अभी। तो मेरे दोस्त पूरे 4 घंटे के बाद ना अपना आईफोन वापस मिल चुका है और बहुत टाइम के बाद ना मैंने अपने मतलब 4 घंटे विदाउट फ़ोन के गुजारे हैं, मतलब बड़ा अच्छा खुश था मैं कि फ़ोन की टेंशन नहीं थी ना, कोई फ़ोन आने की ना कुछ जाने की। और अभी एक झंझट ख़त्म हो चुका है, नहीं तो मेरे को ना पावर बैंक साथ में कैरी करना पड़ता है और पूरा दिन ना इसे चार्ज लगाना पड़ता है। पर अभी ठीक है यार, अभी कम से कम ना 1-2 साल मैं इसे चलेगा, 3 साल हो चुका है, 3 साल अभी और चलेगा, फिर जाके इसकी बैटरी चेंज करवानी है। चलो ठीक है यार एक झंझट ख़त्म हुआ भाई। चलो मेरे दोस्त भाई को रिव्यू नहीं पूछ रहा, भाई बोला बड़ा अच्छे तरीके से ठीक हो गया। भाई ने भाई सुबह लेके भी आया था, जब फोन छोड़ने के लिए आए थे तब भी भाई के साथ ही आए थे और अभी वापस लेने के लिए। थैंक यू। और मैंने भाई आपको बताया नहीं इसकी बैटरी कितने में चेंज हुई है, इसकी बैटरी चेंज हुई है 7000 रुपये में, iPhone 13 है 7000 में चेंज हुई है ऑथोराइज एप्पल स्टोर से, 7000 में एक नया फ़ोन आ जाता है मेरे ख्याल से MI का। पर ठीक है अब ये 3 साल चलेगा। वैसे तो मेरे दोस्त आज हमने घूमने का प्लान बनाया हुआ था बट यार पूरा दिन फोन के चक्कर में चला गया, 4 बजे उन्होंने कॉल करी और आधा घंटा हमें लग गया, मतलब शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ से अपना होटल भी काफी ज्यादा दूर है, अगर टाइम पे होटल पे पहुंच गया वो भी बहुत बड़ी बात है। शाम की सबसे बढ़िया बात पता क्या लगती है मेरे को, यहाँ पे जितने भी मतलब मोटरसाइकिल वाले मिलेंगे ना खासकर गुवाहाटी में, सभी ने हेलमेट पहनी होती है भाई। ऐसे तो मेरे को आज शाम में गुवाहाटी में घूमते घूमते कम से कम 20-25 बार यहाँ से गुजरा हूँ, पर अभी भी मेरे को ना सारा सेम लगता है क्योंकि जो ऐसा वाला ब्रिज आता है ना उसके आगे पीछे वाला इससे सारा सेम होता है, मतलब पता नहीं चलता यार, बस जो नाम लिखे होते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर जैसे सिटी सेंटर आने वाला है वो थोड़े नाम अलग होते हैं, बाकी सड़कें मेरे को सारी सेम लगती है भाई।
एक तो भाई आधी जिंदगी यहाँ पे सिग्नल लाइट के ऊपर खड़े होने में निकल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा ठीक है, गांव में कोई टेंशन नहीं, कोई सिग्नल लाइट नहीं। चलो ठीक है भाई, अभी गुवाहाटी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। और भाई ने मेरे लिए इतना ज्यादा करा है ना, तो मैंने डिसाइड करा है भाई को ना मूवी दिखाता हूँ, कोई है ना देखेगा। हाँ देखेगा। तो आर्टिकल 370 लगी है, और दिखाते हैं भाई को कि जब आर्टिकल 370 टूटा था ना, तो कितनी ज्यादा परेशानी हमको फेस करनी पड़ी थी जम्मू कश्मीर में। 3 साल तो भाई इंटरनेट बंद रहा। तो भाई को अभी मैं वो वाली मूवी दिखाने वाला हूँ कि जम्मू कश्मीर में लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल थी पहले, और बिफोर 370 आर्टिकल कुछ ऐसा ही है। चल दिखाता हूँ, ठीक है। चलो भाई चलते हैं। मेरा दोस्त डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है हमारी 4th वाले फ्लोर पे, एंड यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना भाई, नीचे वाली साइड ऐसे लग रहे हैं इंसान ऐसे कीड़े मोड़ों की तरह चल रहे हैं ना नीचे वाली साइड। भाई आपने तो इमेजिनेशन भी नहीं करा होगा, ऐसे ऐसे बोलता हूँ मैं, क्या पटर पटर करे जा रहा हूँ। आपने तो सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि गुवाहाटी में, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं यार, फिर से बोलना पड़ेगा। भाई आपने तो सोचा ही नहीं होगा गुवाहाटी में इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने होंगे। देखो यार ऐसा लग रहा है दुबई वाली फील आ रही है भाई। ओ माय गॉड, हमें जाना है उस वाली साइड, और अभी हम डिसाइड करना है कि कौन सी मूवी लगी है। क्या पता जो हम मूवी देखने के लिए आए हैं ना आर्टिकल 370, क्या पता वो रात को लगी हो, ये भी दिक्कत है ना। चलो भाई मैं ना आपको दिल की बात बताता हूँ, आज तक मैंने हर एक सिटी में जाके ऑलमोस्ट जहाँ पे मैं घूमा हूँ ना, मैंने वहाँ पे सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखी है। पर यार मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलने जाता हूँ, कभी भी कोई लड़की दोस्तों के साथ मूवी नहीं देखी यार। मतलब रहता है ना, खुशी होती है कि हम भी लड़की लोगों के साथ आए हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। कितनी ख़राब किस्मत हो गया ना मेरी, मैं शायद दुनिया में ना सबसे अनलक्की बंदा होऊंगा। भाई तूने देखी है कभी लड़कियों के साथ? नहीं नहीं, मैंने देखी नहीं आपको, और मैंने भी लड़कियों के चक्कर में नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि टाइम वेस्ट होता होगा। ओह माय गॉड, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा, मैं समझ पा रहा हूँ। भाई तो बोल रहा है कि लड़की के चक्कर में नहीं है, पर असली में बहुत टाइम वेस्ट होता है लड़की के चक्कर में, इसलिए हम लड़की के चक्कर में नहीं रहता। सही है भाई, फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, दोस्तों के साथ सही रहता है, दिल की बात शेयर कर सकते हैं ना। चल फिर चलते हैं, लेट्स गो। क्या वाइब आ रही है सच्ची यार यहाँ से, है ना। दुबई जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, गुवाहाटी घूम लिया तो समझो हो गया। इस वाले मॉल की सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लगती है, यहाँ पे ना मतलब कोई बड़े बड़े स्टोर में नहीं जा सकता, ऐसे बड़े बड़े स्टोर हो गए, क्या नाम लेना अभी वो ना, लोकल दुकानों पे जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे लोकल दुकानें होती है ना बाहर, अंदर भी लगी हुई है, दिख रहा है ना सामने भाई काफी सारी। नीचे शायद पंजाबी बांगड़ा चल रहा है भाई। अच्छा चाय पत्ती का कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है भाई, सही है। और अभी ना उसे आसाम का वो गमछा होता है ना वो मिलेगा ऐसे सामान के रूप में, दिख रहा है ना भाई। वो पता कौन है, आसाम का सिंगर है ना, बपन बपन वो आ रखे हैं यहाँ पे, दिख रहा है। ओ ले प्रभा, ताड़ियाँ ताड़ियाँ तालियाँ भाई साहब। डिस्प्ले पे दिख रहे हैं ना इतनी सारी मूवी लगी है, बट हमें देखनी है जे वाली आर्टिकल 370, जो हमारे जम्मू कश्मीर की एक स्टोरी पे बेस्ड है। जब ये 370 आर्टिकल टूटा था ना भाई, उसके ऊपर बेस्ड है, मुझे पता है। चलो मेरे दोस्त देखते हैं लगी भी है या नहीं लगी है, मतलब लगी तो होगी, टाइमिंग क्या है उसकी। नमस्ते जी मैम, कौन सी आर्टिकल 370 मूवी लगी है अभी? टाइमिंग क्या है उसका? 7 तो अभी कितना टाइम हुआ है? तो भाई अभी ना पोपट हो गया, ये ना शाम के 7:30 लगनी है, तो अभी कोई और चूज करनी पड़ेगी भाई। चलो यार कोई नहीं, बाद में देख लूंगा। तो अभी आए हैं तो कोई देख ही लेते हैं, कौन सी देखें भाई। ऑपरेशन वैलेंटाइन जे वाली लगी हुई है, साउथ की मूवी, तो जे वाली देख लेते हैं। भाई पूरा का पूरा सिनेमा हॉल ही खाली है। उन्हीं की टेस्टिंग के लिए कश्मीर में एक मिशन प्लान किया जा रहा है। हम कश्मीर पहुंचेंगे, वहां रेडार के नीचे फ्लाई करते हुए झेलम घाटी से पाकिस्तान में घुसेंगे। तो मेरे दोस्त फाइनली टाइम हो चुका है शाम के 6:30, अब जाके हाफ टाइम हुआ है। मेरे को लग रहा था मूवी ना कंटिन्यू चलेगी, कोई बात नहीं, आर्टिकल 371 देखने को नहीं मिली, बट ये जो मिशन वैलेंटाइन डे है ना, जे भी अपने जम्मू कश्मीर में आपको बताया ना जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसी के वेस है, मतलब वैलेंटाइन डे 14 फेब को हुआ था ना, उसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, एंड अच्छी मूवी है यार।
मतलब दोनों मूवी हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर ही बनी हुई है, तो मजा आ रहा है देखने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा फ्रेश हो चुके हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं, इसके बाद फिर से मूवी देखते हैं। अभी एंड होना बाकी है भाई। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम के बाद तुमने मूवी देखी? ये मैंने 2-3 साल हो गए, उसके बाद आया आज हॉल में। काफी टाइम, चल थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दुख लग रहा है, 250 लोग आते हैं, ओनली 10-12 लोग हैं, बाकी सारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं और मैं आया हूँ अपने अच्छे दोस्त के साथ। सही है ना? सही है। चल मेरे दोस्त, भाई मैं और मेरा दोस्त ना बड़ी जोश के साथ आए थे कि एक मतलब कैपुचिनो कोई कॉफी शॉपी पियेंगे, साथ में कुछ खाएंगे। बट यहाँ पे आने के बाद जब प्राइस देखो ना, 350 की एक कॉफी है भाई, मतलब 350-350, 700 एंड खाने वाला अलग से, मतलब 2000 का सामान ही हो गया यार। प्लान चेंज कर दिया, बाहर जाके ना 250 का पेट भर जाएगा भाई। सही है ना? वैसे भी भाई किसी ने सही बोला है कि दूसरों को देख के ना अपना जोश खोना नहीं है, मतलब पॉकेट देखनी है। सही है ना? हाँ सही है। पीनी है तुमने 350 वाली चाय? नहीं नहीं, मुझे तो भाई ने मना कर दिया, नहीं तो मैं पिला देता। ठीक है ठीक है, अब सही है ना? तो भाई लोग आप जाके, मूवी खत्म हुई है 7:30 बजे, बाहर ना पूरा अंधेरा हो चुका होगा भाई, काफी मस्त मूवी थी एंड माइंड ना पूरा रिफ्रेश हो चुका है, मतलब जो पूरा 1.5 महीना घूमे है ना, सारी थकान दूर होगी। चले मेरे दोस्त, कैसी लगी? चलते, मूवी तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हर एक्टर का बारे में मालूम चला है। चल ठीक है, चलते हैं। भाई को जब भी मैं पूछता हूँ ना, भाई पूरा विस्तार से बताना शुरू कर देता है। चले रेडी? भाई शहरों की लाइफ जितनी आपको लग्जरी दिखती है ना, बट ट्रैफिक लाइट में खड़े होने के बाद ना, सारा का सारा ऐसा लगता है कि भाई अपने गांव में चले जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा टाइम ट्रैफिक लाइट में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिंदगी का ना 10% हिस्सा ना शहरों का वो ट्रैफिक लाइट में निकल जाता है। तो अभी टिकलू बाईजी निकल रहा है। टिकलू के बाईजी को मैंने बोल दिया कि भाई मतलब चला गया वो अभी, क्योंकि उन्होंने दोपहर को मेरे लिए खाना शाना बनाया था, मैं सोता ही रह गया, फिर वो आया नहीं खाना खाने के लिए, बोलता उधर ही खा लेगा। अभी मैं आया हूँ भाई, एंड रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, दिख रहा है ना? 8:30 हाँ भाई, खाना खाएगा? हाँ, क्या क्या होगा अभी? चिकन मिलेगा? चिकन नहीं, मैं वेज वाला हूँ ना। वेज रहेगा ना? हाँ, लेकिन ठंडा होगा, थोड़ा गर्म नहीं होगा? टाइम लगेगा। कितना टाइम? 10 मिनट। तो मेरा दोस्त खाना पीना अपना बढ़िया हो चुका है एंड थोड़ी एनर्जी भी आ चुकी है, टाइम भी 8:30 हो चुका है। अभी चल रहे हैं भाई होटल में, आज का ब्लॉग इतना रखते हैं। कल मेरे को निकलना है यहाँ से नौगांव, अपना पासपोर्ट उठा रहे हैं। और भाई जी बोल रहे थे कि आपका बोलने का स्टाइल मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू बाय। तो बाकी मिलते हैं भाई कल। कौन सी जगह है ये? भेटापारा। तो ठीक है भाई, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। कल मेरे को पासपोर्ट लेने के लिए जाना है अपने फुटबॉलर दोस्त के पास, एंड तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय भारत। प्लस वीडियो में नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं आपको कल नए वीडियो में, तब तक राधे राधे जी, राधे राधे, गुड नाइट।